जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है समांतर श्रेणी। अगर हम इसे ब्रेक करें सम अंतर, समांतर को अगर दो हिस्सों में तोड़ते हैं सम अंतर, तो जो श्रेणी में जिसमें अंतर समान होगा, डिफरेंस समान होगा, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जिस श्रेणी में अंतर समान होगा उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लू, 2, 4, 6, 8, 10, ……, 2, 4, 6, 8, 10। अगर हम यहां चेक करें तो इसके बीच में अंतर 2, इसके बीच में भी अंतर 2, इसके बीच में भी अंतर 2, इसके बीच में भी अंतर 2। यहां अगर हम चेक करें तो अगले टर्म से पिछले टर्म के बीच में जो अंतर है वो 2 का अंतर है। जैसे 4 में से 2 घटाया 2, 6 में से 4 घटाया 2, 8 में से 6 घटाया 2, 10 में से 8 घटाया 2, यानी कि इन सब में जो अंतर है वो बराबर है, इसलिए ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है, ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी की सबसे अच्छी पहचान ये कि जिसमें अंतर समान हो। इसके लिए जो हम जनरल सीरीज बनाते हैं, माना प्रथम पद ए और सार अंतर, क्योंकि तो सबका अंतर है वो सार अंतर, उसे डी बोल देते हैं। मान लेते हैं आप अल्फा बीटा गामा या ए बी सी भी ले सकते हो। माना प्रथम पद किसी श्रेणी का ए है, सार अंतर डी है, तब समांतर श्रेणी जो आपकी बनेगी वो होगी ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, डॉट डॉट डॉट, यह आपकी समांतर श्रेणी बनेगी। आप यहां देख सकते हो इन सब में डी डी का डिफरेंस है, ये तो सर्वांतर आ रहा था, जैसे यहां दो दो का डिफरेंस था तो सर्वांतर जो हमने डी मान लिया, क्योंकि इस दो को ही सर्वांतर बोला जाएगा, क्योंकि सबका अंतर जो है वो 2 है और वो इक्वल है। तो श्रेणी बन गई। सबसे पहले आप जो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि हमें ये बताना होता है कि जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस तो हमें पता अगर लगाना है तो अंतर लेते चले जाएंगे हम। अगर अंतर इक्वल आ रहा होगा तो श्रेणी समांतर श्रेणी है, और अगर अंतर इक्वल नहीं आ रहा होगा तो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। उसके बाद जो अगला इसमें कंसेप्ट आएगा, बाकी तो जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम सारी चीजें प्रॉपर करेंगे करेंगे, जब इसमें अगला जो आपका आएगा कि इसमें निकालना होता है आपको एनवा पद टीएन, मैंने वो एनवा पद टीएन मान लिया, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां टीएन है एनवा पद, ए प्रथम पद, डी सावंतर, और एन पदों की संख्या। एन पदों की संख्या इस फॉर्मूले में टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टीएन एनवा पद, ए प्रथम पद, डी सावंतर, एन पदों की संख्या। जो इससे अगला फॉर्मूला बनता है वो बनता है अंतिम पद का, अंतिम पद उसे बोलते हैं एल। एल बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि क्वेश्चन में कहते हैं कि एक श्रेणी दी गई है उसका ये अंतिम पद है तब ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। क्वेश्चनों में ये चीज हम बिल्कुल स्टेप टू स्टेप पॉइंट टू पॉइंट करेंगे कि कहां टीएन लगेगा कहां एल लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे, पर जब इसका क्वेश्चन नहीं यूज होगा तब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। मैं इसी पे बेस जो मैंने अभी बनाया है कंसेप्ट इसी बेस क्वेश्चन ले रहा हूं, एनसीईआरटी का है आपकी। ये आपकी बुक का एग्जांपल है, एपी 3/2, 1/2, माइनस 1/2, माइनस 3/2, डॉट 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 के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखिए।
इस श्रेणी में आपको प्रथम पद ए और सर्वोत्तर डी बताना है। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे पहले टर्म लिखी होती है उसे प्रथम पद बोलते हैं। तो ए बराबर आपका आ गया 3/2। फर्स्ट आंसर को देख लो, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आंसर आ गया। सेकेंड अब आपको निकालना था सर्वोत्तर। सर्वोत्तर निकालने के लिए अगले टर्म में से पिछले टर्म घटाते हैं, अगले टर्म में से पिछले टर्म घटाते हैं। तो जब मुझे यहाँ डी निकालना होगा वो लिखा जाएगा 1/2 - 3/2। इसका एलसीएम 2 आ गया, 1 - 3 - 2/2 - 1। और ऐसा नहीं है कि आपको उसमें से इसे घटाना है, आप इसमें से इसे भी घटा सकते हो। मैं आपको घटा के दिखा देता हूं अगली टर्म से भी अगर आप निकालना चाहो तो। डी बराबर आपका हो जाएगा 1/-1/2 - 1/2। एलसीएम आपका आ गया 2 - 1 - 1 - 2/2 - 1। यानी कि ये बात जो मैंने आपसे कही वो बिल्कुल ठीक है कि आप अगली में से पिछले टर्म घटानी है, वो सेकंड में से फर्स्ट घटा लो, थर्ड में से सेकंड घटा लो, फोर्थ में से थर्ड घटा लो, या ऐसे ही टर्म में से पिछले टर्म घटा लो। जब भी आप ऐसे ऑपरेट करते चले जाएंगे अंतर देख लो, बिल्कुल बोर्ड पे सॉल्व है, अंतर इक्वल आ रहा है, अंतर बिल्कुल इक्वल आ रहा है, ठीक। तो ये सॉल्व अंतर हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं कंसेप्ट क्योंकि समांतर श्रेणी एक बहुत अच्छे कंसेप्ट में से है, मैं इसे प्रॉपर पूरा रिपीट कर रहा हूं। समांतर श्रेणी के लिए जो भी श्रेणी आपको दी जाती है, एक मैंने लिख रखी है 2, 4, 6, 8, 10, इन सब में अगर आप देखो तो इन सब में अंतर आपका 2, 2, 2 आता जा रहा है, सबका अंतर इक्वल है, इसीलिए मैंने इसे ब्रेक किया था अपने लिहाज से, जो ब्रेक किया था सम अंतर समांतर, समझाने के लिए मैंने इसे ऐसे लिख दिया था। समांतर श्रेणी यानी कि जिस श्रेणी में अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। अंतर समान हो गया, श्रेणी समांतर हो गई आपकी। इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसे प्रथम पद बोलते हैं, और जो अंतर है अगले से पिछले टर्म का या उससे अगले से उससे पिछली का या इससे अगले से इससे पिछली के साथ जो अंतर है, डिफरेंस है, उसे डी बोलते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद आप ए मान लो और समांतर डी मान लो और आपको श्रेणी बनानी हो, या क्वेश्चन में आपसे कहते किसी श्रेणी का प्रथम पद ए और समांतर डी है तब आप श्रेणी बना लो, तो वो बनेगी आपकी ए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, डॉट डॉट डॉट, जहां तक भी आपसे श्रेणी बनाने के लिए कहेगा। फिर आपको nवां पद निकालना होगा, हम आगे वीडियो में इस कंसेप्ट पे भी आ जाएंगे क्योंकि इतनी इस हिसाब से पढ़ाना चाहिए कि बच्चा उसे ऑप्ट कर सके और समझ सके। जब समझने लगोगे तो हम लंबी क्लास, बड़ी क्लास या ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन की क्लास भी ले लेंगे, पर अगर एकदम लेंगे तो आप मैथ्स को प्रॉपर समझ ही नहीं पाएंगे। Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू बी, जहां Tn है nवां पद, a प्रथम पद, d सर्वांतर है, n पदों की संख्या है। अंतिम पद l बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू बी, मैंने एग्जांपल लिया आपका 3/2, 1/2, -1/2 और 3/2। इसमें आपको a और d बताना था, प्रथम पद और सर्वांतर बताना था। तो प्रथम पद अगर आप इसका चेक करेंगे तो पहले टर्म मैंने कहा जो सबसे पहले लिखा होता है उसे प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम मतलब फर्स्ट जो सबसे पहले हो। डिफरेंस डी डी निकालना है, अगले में से पिछली घटा दो, 1/2 - 3/2, 1/2 - 3/2 घटाया, एलसीएम लिया मैंने एक का, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आने वाला है, 1 - 3 - 2/2 - 1 आ गया। ये मैंने अलग वैसे तो आंसर आपका यहाँ आ गया, लेकिन मैंने ये आपको समझाने की वजह से अगले टर्म में से भी पिछले टर्म घटाई, वो इसलिए घटाई दोनों अलग अलग कि आपको पता चल जाए कि ऐसा नहीं है कि आपको सेकंड में से फर्स्ट घटानी है, आप थर्ड में से सेकंड भी घटा सकते हो, फोर्थ में से थर्ड भी घटा सकते हो, फिफ्थ में से फोर्थ भी घटा सकते हो, मतलब कोई सी भी दो टर्म उठा सकते हो और उनका डिफरेंस ले सकते हो, वो इक्वल ही आने वाला है। तो डी इक्वल टू -1/2 - -1/2, एलसीएम लिया आपने 2 आ गया, -1 - -1 - 2/2 - -1, दोनों कंडीशन में ये इक्वल आ गया, ये आपका होगा सर्वांतर। तो आप अभी इसे करें और बहुत जल्दी आपको अगला वीडियो मिल जाएगा।